हेलो दोस्तों, मैच में आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सी डी फोर यू में। तो दोस्तों, आज जो हम आप लोग बताएंगे, आप अपने अकाउंट को टिकटॉक की, जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक की कोई भी अकाउंट जो है आपका है उसमें आप वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, हम आप लोगों को एक नई आईडी, किसी और की आईडी देखिए, तो हमारा आईडी है, देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है। और मैं अपना नहीं छोड़कर किसी और का अगर आईडी को आप लोगों को चेक करके देखा है तो यहाँ पर आपको टिकटॉक ने फॉलोइंग किया हुआ है, इसी की आईडी देख सकते हैं। तो इनका लिखा हुआ है पॉपुलर क्रिएटर, और ऊपर में जो देख सकते हैं किंग का लोगो लगा हुआ है आईडी पर। तो दोस्तों, ऐसा भी आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे अकाउंट को। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे अकाउंट को कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन देखने के बाद कोई भी नहीं कर सकता कि ये वेरीफाइड क्रिएटर नहीं है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम एक बात बता दें, ये वीडियो सिर्फ एक बनाया गया है आपके इन्जॉय के लिए। आपने टिकटॉक में ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ देखने के लिए बनाया जाएगा, और इस वीडियो में हम आप लोगों को पहले ही सारी डिटेल दे दे रहे हैं कि ये वीडियो आपको सिर्फ वेरीफाई दिखाने के लिए होगा, टिकटॉक से वेरीफाइड नहीं होगा। आप इसका यूज सिर्फ दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, और वेरीफाइड करने के लिए आपके पास ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वीडियो और अधिक से अधिक फैंस फॉलोअर होंगे तो आप जो फीडबैक भेजेंगे देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कोई भी ये ट्रिक कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है, आपकी जो भी फोटो है वो आपके पास होंगे, नहीं है तो आप डाउनलोड कर ले, या आप दूसरा बदल कर रखना, जैसे करना है। आप जो भी फ़ोटो को वेरीफाई करना चाहते हैं, उससे पहले आप लोगों को करना है कि आप जो है गूगल के प्लस जो है वहाँ से आपको एक जो है लोगो डाउनलोड करना पड़ेगा किंग का। जी हाँ दोस्तों, किंग का लोगो जो है आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो किंग का लोगो आप कहीं से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देख लूँ और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिकार्ट। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है पिकार्ट। ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। आप इसको, हम आप लोगों को ये ओपन करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से जो देख सकते हैं, हम फिर शुरू से दिखाएंगे आप लोगों को पूरा प्रोसेस। तो देखिए करना क्या है, हमने कैसे किया। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इसलिए हम शुरू से ओपन करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को जब ओपन करेंगे तो यहाँ आप लोगों को एक प्लस का सिंबल मिलता है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका जो भी फ़ोटो है, यहाँ अगर आप ऑल फोटो पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी फ़ोटो है गैलरी का वो इस प्रकार आ जाता है। मैं अपने अकाउंट का इस फ़ोटो को ले लेता हूँ, ये सलमान खान का। और लेने के बाद जो है कुछ ऐड है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल बार मिलता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं एडिट करने के। उसके बाद मैं ऐड ए फ़ोटो पर क्लिक करके वो जो लोगो है, मैं उस लोगो को ले लेता हूँ, और उसके बाद ऐड पर क्लिक करके उसे ले लेता हूँ। अब जो है उस लोगो को लेने के बाद जो है अब उसको जो क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से उसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ आराम से करें क्रॉप कि आपका जो लोगो है कुछ गोल अच्छा सा बन जाए, ठीक है दोस्तों। और बनने के बाद कुछ देख सकते हैं, तो आप भी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ करके आप ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है सेव पर क्लिक करेंगे, और ये जो लोगो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस लोगो को हम यहाँ पर अगर चाहें तो, या फिर इसके सीधे चश्मा के ऊपर लगा देते हैं, और यहाँ से हम इसे करने के बाद जो है अब क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से सेव पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारा जो फोटो है वो कुछ इस तरह से होके सेव का ऑप्शन मिलता है। सेव पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाएगा। अब हम लोग करना क्या है कि टिकटॉक में आनी है, और टिकटॉक में आने के बाद हमें एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिल रहा है, उस फोटो पर क्लिक करके सिलेक्ट गैलरी से एक फ़ोटो जो आपने अभी एडिट किया है, उस फोटो को आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। और सिलेक्ट करने के बाद आपके श्योर करके यहाँ से सेव कर देनी है। तो यहाँ से करने के बाद आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप अपने फ़ोटो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके बाद डन का ऑप्शन मिलता है, डन पर
क्लिक कर देना है। तो डन पर क्लिक करके उसके बाद आपको नीचे एक पॉपुलर की डिस्क्रिप्शन का लिंक आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, उस पर आपको ये लिखना है। इस पर आपको एक इमोजी लेनी है जिसमें आपको एक भी का सिंबल होगा, मतलब हो सकता है वो वीडियो का सिंबल को होगा, उसे लेने के बाद आपको लिख देना है पॉपुलर क्रिएटर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको एक सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है और आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस तरह से दिखेगा कि आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो गया है और ये जो है टिकटॉक की ओर से वेरीफाई की गई है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, हमारा जो डाटा है थोड़ा स्लो है और हम थोड़ा इधर उधर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए अब हमारा जो कोई भी नहीं कह सकता कि हमारा जो अकाउंट है वेरीफाइड नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है किसी भी अकाउंट को, आप टिकटॉक की अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हैं और किसी के भी आँख में धूल झोंक सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।